ये बात तो सही है। कहीं ना कहीं जनता को भी इस बात का रियलाइज होना चाहिए कि जो हो रहा है, जनता को कई बार लगता है कि मैं रोटी खा रहा हूँ, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, शाम को घर आ जाते हैं, ठीक ठाक हैं, क्या फर्क पड़ता है ऊपर कोई भी बैठा हो। ये जो एक प्रिजम्पशन है कि ऊपर बैठा कोई भी हो क्या फर्क पड़ता है, तानाशाही है, लोकतंत्र है, मेरा घर ठीक ठाक चल रहा है ना, लेकिन हमेशा ये नहीं पता कि आग यहाँ भी पहुंच सकती है। दिनेश जी, ये एक चुनौती है विपक्ष के सामने, चुनौती है पत्रकारों के सामने, बुद्धिजीवियों के सामने, कि इस चीज को ये जो खतरा है, इससे जो खतरा उत्पन्न हो रहा है, आम आदमी को समझाएं कि भाई देखो आपको क्यों खतरा है। ये बात सिर्फ इसकी नहीं है कि भाई लोगों की जनरली धारणा ये है कि सारे नेता करप्ट होते हैं, बेईमान होते हैं, तो चलो ठीक है, लेकिन उनको बताना चाहिए कि इस तरीके से इसको प्रेजेंट करना चाहिए कि आम आदमी भी रिलेट कर सके इस चीज से, कि ये जो तानाशाही है आज, आज तो चलिए अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है, लेकिन पहले आपके साथ हुआ था, आपके आपके नोटबंदी के साथ। ऐसे ही ये जो ऑटोक्रेटिक, ये जो डिक्टेटरशिप, ये जो तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, इसमें एक दिन सबको, अभी ये है कि आप फलानी चीज खा सकते हैं, फलाना रंग का कपड़ा पहन सकते हैं, फलानी चीज नहीं खा सकते, आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, फलाने प्रकार से ही सिर्फ शादी कर सकते हैं, अगर दो लोग साथ रह रहे हैं तो सरकार से पूछ के साथ रहें। तो ये जो हम लोग की जो विभिन्नता थी, इसको मिटा के सिर्फ एक ही स्वर में, बस एक ही गुण गाओ, इससे क्यों खतरा है, क्या खतरा है, इसको एक आम आदमी को इस वस्तु स्थिति से अवगत कराना पड़ेगा, इसके खतरे से अवगत कराना पड़ेगा। अभी तक मेरा ये मानना है कि हम सब इसमें नाकामयाब रहे हैं। आखिर में दो छोटे छोटे सवाल, बहुत छोटे छोटे। मैं खुद व्यवस्था का हिस्सा रहा हूं। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया पिघल गया सर, अजीब सी कहानी है। सोच नहीं सकता था कि जो हिंदुस्तान को संभालता है रीढ़ की हड्डी की तरह है, वो कैसे पिघल सकता है, लेकिन अपनी आंखों के सामने मैंने उसे पिघलते देख लिया। तो कमाल की बात है कि चाहे वो आर्म फोर्सेस के लोग हों, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लोग हों, या फिर दूसरी व्यवस्था के लोग हों, जिस ढंग से बेल्ट होके पानी पानी हो गए और किसी में हिम्मत नहीं उठ के कोई एक आवाज लगा दे, कभी कोई सोचते कि क्या हो क्या रहा, कि आपका डीएनए बदल गया, हुआ क्या अल्टीमेटली जावेद साहब? सर मैं एक बात बताऊं, कुछ साल पहले, आपको इल्म होगा क्योंकि आप तो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा रहे हैं, कुछ साल पहले एक डीजीपीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी, डीजीपी पुलिस कमिश्नर्स की, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, ये लोग भी गए थे, और वहाँ इनफॉर्मली आई थिंक चाय वाय का ब्रेक था, उसमें बात हो रही थी, तो सॉरी, उस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने बहुत जोरदार भाषण दिया, उसमें कहा कि देखिए जो नीतियां हैं उनको बेधड़क होकर, संकोच मत कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, चाहे कुछ भी हो इम्प्लीमेंट कीजिए। तो जब चाय के लिए ब्रेक हुए इनफॉर्मली, तो एक डीजीपी साहब जो सीनियर है काफी, भाई सारे डीजीपी सीनियर होते हैं, डीजीपी पोस्ट बनने का मतलब, तो उन्होंने कहा कि सर इसमें पुशबैक हो सकता है, इसका एक और भी पहलू है, देख उनका, नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं है, हमने जन का मन बदल दिया है। इस बात में कुछ सच्चाई है कि इन्होंने जन का मन बदल दिया है। एक ये वोरा जी, इवन एट द रिस्क ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वो हिंदुस्तान नहीं है जहां हम और आप पले बढ़े थे, जहां मैं पैदा हुआ था, जहां मैं पला, जहां मैं बड़ा। मैं एक हिंदुस्तानी हूं, नॉट जस्ट बाय एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, कि भाई यहाँ पैदा हो गए और क्या हमारे पास विकल्प था, हमारे बाप दादा के पास विकल्प था, हमारे पास भी विकल्प था। मैं एक विदेश में काम करता था और वहाँ 3 साल पे नेशनलिटी मिलती थी और बहुत शॉर्ट आफ्टर थी, और मेरे एक अजीज थे वहाँ रहते थे, उन्होंने मुझसे कहा कि यार, मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, यूरोप के एक, कि आप बदल लीजिए ये बात। तो जिस दिन ये, और उसकी एक प्रक्रिया थी, वो 1.5 साल का पूरा प्रोसेस होता है, वो अंग्रेज लोकल लैंग्वेज में इम्तिहान देना होता है, वो फॉर्म भरना होता है,
तो जिस दिन अप्लाई करना था उसके एक रात पहले भाई साहब मैं पूरी रात सोया नहीं, कभी ये करवट बदलता था, कभी वो करवट बदलता था, कभी आधा दर्जन बार मैं उठ के वॉशरूम गया। तो मैंने उस अजीज ने जब नाश्ते पे कहा कि लगता है तुम कुछ बड़ा डिस्टर्ब हो, क्या बात है? मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं ठीक निर्णय नहीं ले रहा, मैं इसके बारे में सोचना चाहता हूँ, मैं अभी मेरा मन मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहे, इजाज़त नहीं दे रहा। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक, जब मन बना लो तब मुझे बताना। खैर वो दिन और आज का दिन, लेकिन ये तो मैंने तो भाई मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैं उसके बावजूद हमने अपने ये हमारे बाप दादा का ये हमारा वतन है, हम यहीं पैदा हुए यहीं मरेंगे, हमें कहीं और नहीं जाना है। लेकिन ये एक जो मैं जहर देख रहा हूँ, ये जो नई थिंकिंग मैं देख रहा हूँ, ये बड़ा खतरनाक है। कोई वो ये एक पॉइजन है जो सबको धीमे धीमे पिला दिया गया, फिलहाल नशा चढ़ गया सबको, जैसे भांग का नशा नहीं चढ़ जाता होली के दिन, तो अभी फिलहाल सबको चढ़ा हुआ है ये नशा, उसमें सब कुछ हरा हरा ही नजर आ, 2,000 रुपया लीटर पेट्रोल भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, फलाने इतने हजार लोग मर जाएं तो भी कोई बात नहीं, इतनों की दौलत लुट जाए डिमोनेटाइजेशन में कोई, तो अभी फिलहाल वो सब उन्हें लगता है कि एक देखिए साहब पहली बार इतने साल बाद, पहले मुगलों ने राज किया फिर अंग्रेजों ने राज किया, अब अपनी बारी आई है तो अब ठीक है, थोड़ी अच्छी थोड़ी बुरी भले ही ये कठिनाइयां हों, ये तो ये है सर कहीं ना कहीं मोदी जी